रेज्यूमे बिज़नेस राइटिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि इसमें आप अपने आप को मार्केट करते हैं अपनी स्किल्स को सिलेक्ट करते हैं जो आपने किसी को बताने हैं और आप जब कोई अप्लाई करते हैं किसी काम के लिए तो आप अपना रेज्यूमे तैयार करते हैं जिसके लिए जिसको आप रेज्यूमे भेजते हैं उसके पास बहुत से रेज्यूमेज़ आ रहे होते हैं सो यू वॉन्ट टू फाइंड आउट हाउ यू कैन स्टैंड आउट एंड हाउ यू कैन इंक्रीज योर चांसेज ऑफ बींग टेकन सीरियसली कोई भी चीज़ जब लिखी जाती है तो उससे पहले ज़रूरी है कि उसकी प्लानिंग की जाए तो इसी तरह रेज्यूमे लिखने से पहले भी उसकी प्लानिंग ज़रूरी है ज़रूरी नहीं है कि आपकी बिल्कुल रीसेंट रीसेंट बातें आपने रेज्यूमे में लिखनी है हो सकता है कोई बहुत पुरानी बात हो जो आपने कोई काफ़ी पहले कोई काम किया जो अब इस पोजिशन या इस असाइनमेंट के लिए रेलिवेंट हो सो यू शुड बी अवेयर एंड रेकग्नाइज़ कि इसको मैं इस चीज़ में शामिल करूँ ना कि और कोई इ चीज़ों को और एक रेज्यूमे ही आप हर असाइनमेंट के लिए या हर एम्प्लॉयर के लिए नहीं भेज सकते क्योंकि उनकी नीड्स डिफरेंट हैं उनके इंटरेस्ट डिफरेंट हैं जॉब की नेचर थोड़ी सी डिफरेंट होती है अगर आप एक ही तरह के काम के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन का अपना कल्चर डिफरेंट हो सकता है तो उसके हिसाब से आपको अपना रेजीमे को मॉडिफाई करना ज़रूरी है पहले जब आप उसको लिखने लिए, आ, बैठें तो के लिए बैठे तो ब्रेन करें यानी कि सोचें कि आपने कब कब कौन कौन सी आपकी अचीवमेंट्स हैं और इसमें सिर्फ एकेडमिक या स्कूल कॉलेज से रिलेटेड नहीं होनी चाहिए और सिर्फ प्रोफेशनल भी नहीं होनी चाहिए दोनों चीज़ें होनी चाहिए Uh, इसके अलावा कोई आपने ट्रेनिंग्स यहाँ पे लिखा है जैसे ट्रेनिंग्स हो कोई uh, जो आपने अटेंड की कोई कॉन्फ्रेंसिस अटेंड कि uh, कोई आपने वॉल्टियर काम किया कोई स्पोर्ट्स में आपने क्योंकि आजकल ये बहुत एम्प्लॉयर्स uh, देखते हैं कि आप अच्छे टीम वर्कर हैं कि नहीं अगर बेशक आप एकेडमिक्स में बहुत जीनियस हैं लेकिन आई यू एबल टू वर्क विद अ टीम और नॉट सो अगर स्पोर्ट्स में आपने यू वर्क विद अ टीम या आपने अच्छी उसमें कोई परफॉर्मेंस दिखाई है सो दैट माइट गो टू योर क्रेडिट लेकिन उसी एंगल से फिर आप उसको लिखेंगे रेज्यूमे में यू विल कनेक्ट टू द वर्क दैट यूर गोइंग टू डू और वॉल्टियर वर्क कम्युनिटी सर्विस अगेन दैट से समथिंग अबाउट यू कि आप हेल्पफुल हैं कोऑपरेटिव हैं यू वॉन्ट टू मेक अ डिफरेंस और ये सारी क्वालिटीज हैं एम्प्लॉयर्स वैल्यू करते हैं तो इनको सब ये अभी आपने सिर्फ ब्रेन करके सारी चीज़ों को निकाल लेना है इसमें से हर चीज़ जो है वो आप एक्चुअल रेज्यूमे में नहीं लिखेंगे बट दिस इज जस्ट अ स्टार्ट दैट्स द स्टार्टिंग पॉइंट उसके अलावा आपने स्कूल में कोई कॉम्पिटिशन जीता हो कोई और आपने कंट्रीब्यूशन की हो जैसे कि किसी में आ, कोई इनिशिएटिव आपने खास लिया हो कोई स्ट्रीमलाइनिंग की हो कोई आपके ऑफिस में माइनॉरिटीज़ हों उनके लिए आपने कोई इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया हो एनीथिंग दैट यू डिड दैट वाज आउट ऑफ द ऑर्डनरी उसको भी आप अपने जो अपनी नज़रों के सामने लाएँ और अपनी ब्रेन करके लिस्ट में तैयार करें एक तो आपने लॉन्ग लिस्ट बना ली जिसमें कि सारी की सारी चीज़ें आपने शामिल कर लीं उसके बाद अब उसमें से देखें कि अब इसमें से मेरा नैरेटिव रेज्यूमे का कैसे अच्छा बनेगा कौन कौन सी चीज़ें इस जॉब के लिए रेलिवेंट हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर में कौन सी चीज़ें हो सकती हैं हो सकता है प्राइवेट एंटरप्राइज के लिए डिफरेंट चीज़ें मैटर करती हूँ एज अपोज टू गवर्नमेंट जिसमें हो सकता है ज़्यादा कंप्लायस uh, पे वो फोकस करना चाह रहे हो या अगर आप किसी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में अप्लाई कर रहे हैं वो डिफरेंट हो सकता है ऑनलाइन असाइनमेंट के लिए अगर आप कर रहे हैं दैट माइट हैव डिफरेंट नीड्स सो नो द ऑडियंस हर किसी भी चीज़ को लिखने के लिए जरूरी होता है कि आप अपनी ऑडियंस को जाने द सेम गोज फॉर दिस और उसके हिसाब से जो आपने इतनी लंबी लिस्ट बनाई है उसमें से कुछ सिलेक्शन करें और फिर उसको शॉर्ट लिस्ट करें और ये देखें कि कौन सी चीजें रेज्यूमे में ऐड हो सकती हैं और जिस वक्त आप लिखने के लिए बैठेंगे तो ये मेक श्योर sure करें जब एक्चुअल रेज्यूमे लिखें कि इसमें से कोई इंपॉर्टेंट चीज़ मिस आउट ना हो जाए हो, हो सकता है आपको लग रहा हो कि ये तो मेरी अपनी लाइफ की चीज़ें मुझे लिखने की या ब्रेन करने की क्या जरूरत है मुझे तो पता है लेकिन अक्सर हम चीज़ें भूल जाते हैं जैसे कि पर्सनल स्टेटमेंट्स अगर आप लिखें किसी यूनिवर्सिटी में बाहर की स्पेशली अप्लाई करने के लिए तो उसमें आ, हो सकता है आपने कभी पैराग्लाइडिंग करते हो और उसको आप यू माइट वांट टू यूज दैट कि मुझे लाइफ में चैलेंजेस पसंद हैं इसलिए मैंने पैराग्लाइडिंग की तो कोई भी चीज़ आपने बचपन में की हो टीन में की हो कोई कंपटीशन जीता हो तो वो अगर रेलेवेंट है तो आप उसको सामने लेके आए आप हम अक्सर अपनी अचीवमेंट्स भूल जाते हैं और अपनी खराबियां हमें याद रहती हैं तो इसलिए ज़रूरी है कि उनको लिखें अपनी नज़रों के सामने लाएं एंड देन मेक अ सिलेक्शन आउट ऑफ देम ताकि आप अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड कर सकें